हरे कृष्णा। आप सभी का आज दशहरा के उत्सव अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरा ऐसा पावन उत्सव है जिसमें बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। एक ऐसा समय है जहाँ पे हम कृष्णा से, भगवान से अच्छाई की ओर ज़्यादा जाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। कई बार हमारे ज़िंदगी में हम देखते हैं कि अच्छे लोग को ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है, पर बुरे लोग और ज़्यादा ही ऊपर उठते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। तो कई बार हमारे मन में सवाल उठता है, Why good things happen to bad people and bad things happen to good people? आप सबके मन में भी ये विचार आया होगा। तो आज का जो ये दशहरा का अवसर है, यह बहुत ही सुनहरा, यह हमें जानने के लिए, समझने के लिए ये समय है। हमें ध्यान देना है, जैसे आज के दिन राम भगवान ने दशहरा में, जैसे रावण है, 10 सिर वाले रावण का उन्होंने विनाश किए थे, तो वहाँ पे भी वह जितना ज़्यादा ज़्यादा राम भगवान सिर पे मारते चले जा रहे थे, हर एक नया सिर आते चले जा रहा था। तब उनके ही भाई जो है विभीषण आकर के उनको बोलते हैं कि उनके नाभि में जान बसी है, नाभि में अपना तीर कमान चलाइए। तो नाभि में उन्होंने मारे और फिर इस तरह से रावण का वध हुआ। और ये हर साल ये मनाते चले जाते हैं कि कोई ना तो कोई राम बनता है और फिर वो उनको मारता है। पर क्या हमने अपने जीवन में अपने अनर्थ को मारे हैं क्या? रावण, 10 सिर वाला रावण क्या दर्शाता है? 10 सिर वाला रावण ये दर्शा रहा है कि हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, आज का समय है, आज के समय में हम उस अनर्थ को हमें ख़त्म करना है, हटा देना है। 6 अनर्थ मोस्ट प्रोमिनेंटली हमारे हमेशा अटैक करते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, हर समय हम इन 6 अनर्थ के द्वारा निगले जाते हैं, खाए जाते हैं, सताए चले जाते हैं। तो आज के दिन प्रण लीजिए हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से। ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है एक तीर की भांति जाएगा और हमारे हृदय में, जैसे रावण के हृदय में मारने से वह प्राण त्यागे थे, हमारे हृदय में भी ये सारे कलमश बैठे हुए हैं। और आज के दिन ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का तीर, अगर बहुत ज़्यादा श्रद्धा से भगवान पे विश्वास रखते हुए उनको ये चलाएंगे, तो भगवान की कृपा हम पे भी होगी और हमारे अंदर भी जो अनर्थ हैं उसका नाश होगा और अच्छाई का उदय होगा, राम भगवान की विजय होगी। यही आज के दिन आप सभी भी प्रार्थना करना चाहिए और यही प्रार्थना करने से हम सब भी बहुत ही शुभ चीज़ को प्राप्त करेंगे। इसी तरह, इसी के साथ आपको दशहरा की हार्दिक शुभेच्छा। आप सभी लोग नित्य रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और राधा कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में आकर के अपने वचनों को निभाने का, अपने दिन को और शुभ बनाने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा।